हेलो एवरीवन वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल आए एम ऑडेबल हाँ जी कोई मुझे कंफर्म करेगा गुड मॉर्निंग पंकज गुड मॉर्निंग मानसी आई एम ऑडिबल ओके थैंक यू मार्शल ओके गुड मॉर्निंग योगिता ओके लेट्स स्टार्ट आज के सेशन में हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड टेन क्वेश्चंस देखेंगे सारी ही क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है कुछ क्वेश्चंस जो यूपीएससी पास्ट ईयर में आए हुए हैं उसको भी डिस्कस करेंगे सो so, इसीलिए आज वाला जो सेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है लेट्स स्टार्ट उसे जाने से पहले आप कुछ हमारे फ्री इनिशियटिव देख सकते हैं for example, अभी हम डिस्कस जो पीवाई क्यूज है उसको डिस्कस किया जाता है एट पी एम ऐसे ही एच पी एस से रिलेटेड सीट के जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस किया जाता है नाइन पी एम सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे

1, 2, and 3. Hanji, answers please. Ashwani says 2. Okay. Manu says D. 1, 2, and 3. Okay. Yogita says D. Okay, okay. Let's see. Answer for this particular question is that is C. अब देखिए यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत क्यों हो जाती है देखिए सिंपल सी बात है अगर आप नाइट्रोजनस फर्स्ट यूज कर रहे हैं इसका मतलब क्या है जो को नाइट्रोजन चाहिए वो आप प्रोवाइड कर रहे हैं। नहीं तो जनरली क्या होता था कि लेग्यूमिनस प्लांट्स लगाने होते थे और लेग्यूमिनस प्लांट्स पे क्या एक्ट करता था दैट इज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया अब यहां पर क्या है क्योंकि आपने डायरेक्टली ही फर्टिलाइजर्स दे दिए हैं तो क्या आपको नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे नहीं मिलेंगे क्यों नहीं मिलेंगे क्योंकि डायरेक्टली आपने क्या यूज कर लिया है फर्टिलाइजर्स इसीलिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है अब अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं इट इंक्रीज दिडिटी ऑफ दी सॉइल अब ये करेक्ट है ऐसा क्यों क्योंकि जब आप एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स करेंगे तो आपके सॉइल की एसिडिटी इंक्रीज कर जाएगी एसिडिटी का मतलब होता है जब पीएच के लेवल्स गिर जाते हैं व्हेन द पीएच लेवल डिक्रीजेस सो दिस स्टेटमेंट से स्टेटमेंट इज करेक्ट थर्ड स्टेटमेंट आता है दैट इज लीचिंग ऑफ नाइट्रेट टू द ग्राउंड वाटर कैन अकर अब देखिए सिंपल सी बात है अगर आप ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स करेंगे तो जो भी वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस हैं वो वॉटर में डिजोल्व होके क्या हो जाएंगे लीच डाउन कर जाएंगे तो इसीलिए आपको नाइट्रेट्स जो है जब वो पानी के साथ घुलेंगे तो वो लीच डाउन हो जाएंगे इसीलिए थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाती है सो आंसर बिकम्स टू एंड थ्री ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाती है ठीक है जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू कहता है विद रेफरेंस टू दी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज

second here IUCN runs thousands of field projects around the world to better manage natural environment third statement here sites is legally binding to to the states that have joined it but this conventional but this convention does not take the place of the national laws select the correct statement one only two and three only one and three only or is the d One, two and three only. ये UPSC past question है। है। और के बारे में में, पूछा गया देखिए जितनी भी चाहे फिर वो इंटरनेशनल हो उसके फॉर्मेशन ईयर्स उनका एम क्या था उनकी मेंबर कंट्रीज कौन सी हैं, क्वार्टर्स कौन से हैं, वो आपको सारा कुछ पता होने चाहिए राइट सो आई और साइट्स के बारे में पूछा गया है प्लीज मार्क योअर आंसर ओके बी एंड सी में कंफ्यूजन है राइट सो लेट्सर आंसर क्वेश्चन इज बी टू एंड थ्री आर करेक्ट जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इन करेक्ट क्यों हो जाती है क्योंकि जो आई यू सी एन है वो यूएन का ऑर्गन नहीं है वो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसीलिए ये वाला जो पार्ट है फर्स्ट स्टेटमेंट का ये वाला जो पार्ट है ये गलत हो जाता है अगर हम साइट की बात करते हैं तो जितने भी इंटरनेशनल इंटरनेशनलेशन हैं अग्रीमेंट है जो भी हमारे मेंबर कंट्रीज हैं वो इसका पार्टिसिपेंट बनते हैं ठीक है और जो सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है जो साइट्स है वो लीगली बाइंडिंग है स्टेट्स के लिए लेकिन जो भी उनके नेशनल लॉज होंगे वो क्या होंगे

क्यों बनाया गया था जो भी नेचुरल वर्ल्ड है उसको सेफ करने के लिए इसके हेडक्वार्टर्स आपको स्विट्जरलैंड में देखने को मिलते हैं और ये नौ कैटेगरीज में डिवाइडेड है जो भी इनकी रेड लिस्ट बनाई जाती है सो so, उसको नौ कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो तीन है एक वालनेबल एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड अब जो भी स्पीशीज आपको न्यूज में एंडेंजर्ड या फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड देखने को मिलते हैं वो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ठीक so, है जी सो कितनी कैटेगरीज है टोटल कैटेगरीज की अगर बात करते हैं तो नाइन कैटेगरीज हैं आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है तीन एंडेंजर्ड और दैट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड ठीक है जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव अच्छा साइट्स के बारे में पढ़ लीजिए जो साइट्स है वो एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि इंडिविजुअल कंट्रीज वॉलेंट्रली क्या करती हैं अध्ययन करती हैं साइट्स को ड्राफ्ट किया गया था कब 1963 में जब मीटिंग होल्ड हुई थी आई में अब देखिए एक्सप्लिसिट क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि साइट्स की ड्राफ्टिंग कहाँ पर हुई थी तो जब आई की मीटिंग चल रही थी 1963 में तो साइट्स की ड्राफ्टिंग की गई थी ऐसी इंप्लीमेंटेशन कब की गई है 1975 में सो so, एम क्या है जो भी इंटरनेशनल ट्रेड है वाइल्ड एनिमल्स में प्लांट्स में उनको रेगुलेट करना उनको रेगुलेट क्यों करना कि ये जो थ्रेटेड स्पीशीज है ये कहीं एक्सटिंक्ट ना हो जाए राइट सो so, जो वलनरेबल हैं, एंडेंजर्ड हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, ये एक्सटिंक्ट ना हो जाए तो इनके ट्रेड पे क्या करना रेगुलेशंस लगाना ठीक है जी सेक्रेटेरियट so, है वो यू एन ई पी ही एडमिनिस्टर करता है अब जो इसका सेक्रेटेरियट है इट इज लोकेटेड एट राइट अगर साइट्स की बात करते हैं तो आपको वहां पर तीन अपेंडिक्स देखने को मिलते हैं अपेंडिक्स वन अपेंडिक्स टू एंड अपेंडिक्स थ्री जो अपन है वहां पर आपको सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी क्यों क्योंकि ये जो स्पीशीज है ये थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन है और यहाँ पर जो कमर्शियल ट्रेड है इनमें इन पर्टिकुलर स्पीशीज में, में प्रोहिबिट किया जाता है ऐसे ही अगर हम अपेंडिक्स टू की बात करते हैं तो एज सच उनका थ्रेटनिंग लेवल बहुत ज्यादा नहीं है तो इसीलिए उनके कमर्शियल ट्रेड को अलाउ किया जाता है बट अगेन इट इज रेगुलेटेड जो अपेंडिक्स थ्री है वहां पर जो पार्टीज हैं वो दोनों ही एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करती हैं और ट्रेड को क्या करती हैं रेगुलेट करती हैं ठीक है जी सो so अगर हम सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करते हैं तो अपेंडिक्स वन में देखने को मिलता है डन क्वेश्चन नंबर थ्री पे चलते हैं विद रेफरेंस टू डुगोंग अ मैबल फाउंड इन इंडिया व्हिच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इट इज हर्बी मरीन एनिमल इट इज फाउंड अलोंग द एंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया थर्ड इज इट इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन अंडर स्केड्यूल वन Of Wildlife Protection Act of 1972. Now you have to tell the correct statement 1 and 2, 2 only, 1 and 3, or is it 3 only? Hanji, answers please. Hanji Bhumika, IUCN was established on 5th October 1948. Exactly. Okay, so the answers are C and B. ओके बी एंड सी में कंफ्यूजन है okay, पंकज से क्या है देखिए सो आंसर इज सी एंड थ्री ओनली जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो एक हर्बी वोरस मरीन एनिमल है देखिए जो भी स्पीशीज आपको न्यूज में देखने को मिलती हैं तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं तो ये एक हर्बी वोरस मरीन मैमल है अब यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट है ना वो इनकरेक्ट हो जाती है क्योंकि यहाँ पर लिखा है एंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया पे देखने को मिलती है जो कि ट्रू नहीं है जनरली आपको अंडेमान निकोबार में ज्यादा दिखाई देती है और कुछ अदर पा, पार्ट्स में आपको देखने को मिलता है लेकिन सारी कोस्ट लाइन में आपको ये देखने को नहीं मिलता इसलिए जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत हो जाती है जो थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है क्योंकि ये स्केड्यूल वन में ही एग्जिस्ट करता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ठीक है जी सो so, आप देख सकते हैं डुगोंग को बोला जाता है सी काउ अब काउ क्यों बोला जाता है क्योंकि ये हर्बी बोरस है सो so, इसीलिए ये हर्बी बोरस मैमिल कहलाता है इसका आयु स्टेटस देखते हैं तो वालनेबल है अगर डब्ल्यू 1972 की बात करते हैं तो आपको स्केड्यूल वन में देखने को मिलता है और इट इज इंक्लूडेड इन दी सी एम एस बॉर्न कन्वेंशन इवन सो बॉर्न कन्वेंशन के तहत भी इसको इंक्लूड किया गया है ये कहाँ पाया जाता है सो गल्फ ऑफ मन्नार इन तमिलनाडु दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड दी गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात

बहुत ही इजी क्वेश्चन है यूपीएससी का पास क्वेश्चन है जहां पर आपको इन चारों इन तीनों फॉरेस्ट का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है वो कहां पर है हां जी आंसर प्लीज एग्जैक्टली वेरी गुड ऑलमोस्ट सबका सही है सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज डी ओके यस एग्जैक्टली सो आंसर इज आंडेमान निकोबार अब देखिए मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात हो रही है सो so, मैंग्रोव्स आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे कोस्ट लाइन पर देखने को मिलेंगे एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात हो रही है इसका मतलब क्या है जहां पर आपको बारिशें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है वहां पर आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे और डेसिडुवर्स फॉरेस्ट का मतलब क्या है कॉम्बिनेशन जहां पर आपको देखने को मिलता है वहां पर आपको डेसिडिवर्स फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे सो so, तीनों कॉम्बिनेशन जो है वो आपको आंडेमान निकोबार आइलैंड्स में देखने को मिलती है अगेन अ फैक्चुअल क्वेश्चन

एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड दी वर्ल्ड बैंक अब करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है वन ओनली टू ओनली बोथ वन एंड टू और इज डी नीदर वन नॉट टू हाँ जी आंसर्स प्लीज ओके मनु सेज ए योगिता सेज सी हाँ जी

सो so आप अगर आप यहाँ पर इंटेलिजेंट गेसिंग भी कर सकते थे कि ये वाली ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकती तो इसीलिए जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाता है और फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाता है सो so अगर हम ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात करते हैं तो so आप देख सकते हैं ये लार्जेस्ट एनवायरमेंटल फंड है जो एक्चुअली में हेल्प किन को करता है डेवलपिंग नेशंस को करता है जो भी मिटिगेशन स्ट्रेटजीज हैं किसके लिए क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट भाई right. ऐसे ही इसको इस्टैब्लिश किया गया था यूएनएफसीसी के अंडर 2010 में और इनके जो हेड क्वार्टर्स है वो आपको साउथ कोरिया में देखने को मिलते हैं सो so, किसके अंडर इसको इस्टैब्लिश किया गया है यूएनएफसीसी के तहत इसको इस्टैब्लिश किया गया so, है ठीक right? है जी सो आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है राइट नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 अब क्वेश्चन नंबर 6 कहता है

स वेरी गुड ऑलमोस्ट एवरी वन इज करेक्ट यस दंसर इज सी दैट इज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट अब देखिए जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है वो काफी ज्यादा न्यूज में रहती है क्यों न्यूज में रहती है क्योंकि आपको न्यूज में जीएम क्रॉप काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं अब ये जीएम क्रॉप्स को एक्चुअली में रेगुलेट कौन करता है दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी अब ये कमेटी किसके तहत बनाई गई थी किस स्टैट्यूट के तहत बनाई गई थी दैट इज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट सो आप देख सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी बनाई गई है इसका एम क्या है द बॉडी रेगुलेट दूस मैन्युफैक्चर स्टोरेज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ दजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स हैं उसके बारे में ये रेगुलेट करता है ठीक है जी आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है सो so, ये किसके अंडर फंक्शन करता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट डन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन कहता है विच वन ऑफ दी फॉलोइंग नेशनल पार्क हैज अ क्लाइमेट दैट वेरीज फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल टेम्परेट एंड आर्टिक तो आपको ऑलमोस्ट यहां पर सारा कुछ देखने को मिलता है कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है पहला है कंचन फिर है नंदा देवी सी है न्योरा और ए डी नाम दाफा हां जी आंसर्स प्लीज ओके मानसी सेज डी अभिषेक सेज बी ओके Okay. So so अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है अब यहाँ पर जो आपको दो चीजें हैं वो याद रखनी है एक नेशनल पार्क याद रखने हैं और एक बायोस्फेर रिजर्व याद रखने हैं तो यहाँ पर आपको अरुणाचल प्रदेश में मोलिंग और नामडाफा देखने को मिलता है और अगर हम बायोस्फेयर रिजर्व की बात करते हैं तो दिहांग, दिबांग, दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफी सारी देखने को मिलती है लेकिन जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है नेशनल पार्क और विद रेफरेंस टू एन ऑर्गेनाइजेशन नोन एज बर्ड लाइफ इंटरनेशनल वर दर करेक्ट आप करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन

ओके, सो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सी अब देखिए यहां पर जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है क्यों क्योंकि जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट है वो यहां से ओरिजिनेट नहीं हुआ था अब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है कि आपको वहां पर एंडेमिक प्लांट्स एंड एनिमल्स देखने को मिलते हैं और क्या है वो थ्रेट भी होते हैं तो उस पर्टिकुलर रीजन को क्या कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट लेकिन ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल से एक्चुअली में रिलेटेड नहीं है आप अगर कॉमन सेंस भी लगाते तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे क्योंकि जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं वो एक्चुअली में किससे रिलेटेड हैं फ्लोरा एंड से रिलेटेड हैं सो एज सच आपको बर्ड से यहाँ पर कोई भी कैटेगरीज देखने को नहीं मिलती हैं So, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट नहीं हुआ था राइट सो so, अगर हम बर्ड लाइफ इंटरनेशनल की बात करते हैं तो ग्लोबल पार्टनरशिप है जहां पर हम कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं किसकी बर्ड्स और उनके हैबिटेट्स की राइट सो so, इसको कहा जाता है इट इज दर्ल्ड लार्जेस्ट कंजर्वेशन पार्टनरशिप फॉर कंजर्वेशन ऑफ बर्ड्स एंड ओवर इंडिया सॉरी ऑल ओवर वर्ल्ड को मिलते हैं तो सिक्स रीजनल ऑफिस है अफ्रीका में अमेरिका में एशिया यूरोप सेंट्रल एशिया क्वार्टरली मैगजीन जिसका नाम क्या है वर्ल्ड बर्ड वॉच आप देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो वर्ल्ड बर्ड वॉच है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है सो इट इज बर्ड लाइफ इंटरनेशनल राइट ऐसे ही इट इज दफिशियल रेड लिस्ट अथॉरिटी फॉर बर्ड्स फॉर दू सी एन अब आई सी एन रेड लिस्ट पब्लिश करती है उसमें जो बर्ड्स की रेड लिस्ट वो कौन प्रोवाइड करता है दैट इज बर्ड लाइफ इंटरनेशनल डन सो यहाँ पर ये जो भी इम्पॉर्टेंट बर्ड एरियाज हैं आई बी ए इन्वेंट्री जिसको कहा जाता है वो भी पब्लिश करती है डन सो यहाँ पर मेजर मकसद क्या है बर्ड्स की कंजर्वेशन और उनके हैबिटेट को कंजर्व करना पे करते हैं. कहता है, ध्यान से स्टेटमेंट्स को पढ़िएगा ए है कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्टिंग विद वन अनदर बी है दैट पार्ट ऑफ द अर्थ व्हिच इज इनहैबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स सी है अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टूगेदर एनवायरनमेंट इन व्हिच दे लिव एंड डी है फ्लोरा एंड फोना ऑफ अ ज्योग्राफिकल एरिया हां जी आंसर प्लीज इको सिस्टम के बारे में पूछा गया है स्टेटमेंट बहुत क्लोज बनाई गई है इसलिए ध्यान से पढ़िएगा ओके सी एंड ओके एवरी वन इज सेन् सी वेरी गुड हां जी इको सिस्टम की अगर हम डेफिनेशन दिखते हैं तो यही होती है इट इज अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स

फोर्थ है सल्फर डाइऑक्साइड और फिफ्थ है मीथेन अब आपको बताना है ए क्यू आई में हम कौन सी गैसेस को मेजर करते हैं फर्स्ट है आपका ऑप्शन वन टू एंड थ्री बी है टू थ्री फोर सी है वन फोर फाइव और इज इट डी वन टू थ्री फोर फाइव हां जी आंसर्स प्लीज ओके बी है. अगर आपने के बारे में है, तो आपको पता है वो कार्बन मेजर नहीं करता जैसे ही आप कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करते, मतलब करते हैं तो आपकी तीनों एलिमिनेशन हो जाती है और आपके पास आंसर क्या बचता है दैट इज टू थ्री एंड फोर राइट सो अगर हम AQI के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आपको आठ कैटेगरीज मिलती हैं कौन कौन सी 2.5 एंड 10, ओजोन, कार्बन मोनऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड लेड एंड अमोनिया अब इसको मेजर आवरली किया जाता है और हर कंट्री के पास अपनी एयर क्वालिटी इंडेक्सेस होते हैं जिसके बेसिस पे आप क्या करते हैं एयर क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स बनाते हैं ठीक है जी सो so, एट यहाँ पर जो आपकी गैसेस है उनको मेजर किया जाता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ठीक है जी सो आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं अपने आप comment box में डाल सकते हैं okay. Let's end this session. So, आप कुछ हमारे फ्री और पेड इनिशियेटिव देख सकते हैं